इस वक्त अखिलेश यादव की नजर बजट पर टिकी हुई है और काफी ज्यादा उम्मीदें भी जुड़ी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो अखिलेश यादव बजट को लेकर के काफी सीरियस नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बजट पेश होने से पहले 13 सवाल भी खड़े कर दिए। चलिए आपको पूरी गाथा बताते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के बजट पर पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार हर बार दावा करती है कि यह सबसे बड़ा बजट होगा, बजट कुछ काम का होना चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि यह बजट किसानों की आय दोगुनी करे, युवाओं को रोजगार और प्रदेश की जनता की सुरक्षा के बारे में होगा। अखिलेश यादव ने कहा, 90% आबादी जो मैंने परिभाषित की है उन्हें क्या मिलने वाला है। अब तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सभी बजट टॉप 10% जनसंख्या के आसपास ही केंद्रित है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि किसान की आय दोगुनी होगी, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार का और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सुरक्षा का बजट होगा, इसीलिए काम का बजट होना चाहिए, नाम का बजट नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है, बजट काम का आना चाहिए, बजट नाम का नहीं। जो लोग ये दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा बजट है, तो बजट काम का आना चाहिए, बजट केवल नाम का नहीं आना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि किसान की आय दोगुनी का, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार का और उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा का बजट ये आएगा। देखिए, 90% आबादी जो मैंने डिफाइन की है उसको क्या मिलने जा रहा है। अभी तक जो भी दिल्ली और यूपी के बजट बनते हैं वो संपन्न 10% के लोगों के लिए बनते हैं, इसलिए नाम का बजट नहीं हो, बजट काम का हो, काम का बजट आना चाहिए, नाम का बजट नहीं हो। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश बजट का आकार 7,36,437,71,00,000 रुपए है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई। वहीं आपको ये भी बताते चले कि अखिलेश यादव ने बजट पेश होने से ठीक पहले 13 सवाल खड़े कर दिए थे। यूपी के पूर्व सीएम ने इन सवालों के जरिए एक और जहां कई मुद्दे उठाए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पर झूठा होने का आरोप भी अखिलेश यादव ने लगाया है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, यूपी का बजट चाहे 7,00,000 करोड़ का हो या 8,00,000 करोड़ का, सवाल यही रहेगा कि 90% जनता के लिए मतलब पीडीए के लिए उसमें क्या है। दूसरा उन्होंने लिखा, दरअसल भाजपा की नीति आम जनता विरोधी है, वो 10% संपन्न लोगों के लिए 90% बजट रखती है और 90% जरूरतमंद जनता के लिए केवल नामात्र का 10% बजट। वहीं अखिलेश यादव ने क्या कुछ सवाल भी उठाए हैं, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। सपा प्रमुख ने सवालों की लिस्ट पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार आंकड़ों में ना उलझाए, सीधी बात ये बताए। पहला, कि इस बजट से महंगाई से कितनी राहत मिलेगी। दूसरा, कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा। तीसरा, सही में अपराध और भ्रष्टाचार कम करने के उपायों पर कितना खर्च किया जाएगा। पांचवा, मंदी और जीएसटी की मार झेल रहे काम कारोबार और दुकानदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रावधान है। छठवा, किसान की बोरी की चोरी रुकेगी या नहीं, फसल का सही दाम व किसानों की आय दोगुनी होगी या नहीं। सातवा, मजदूर श्रमिक को मेहनत की सही कीमत मिलेगी या नहीं। आठवा, महिलाओं को बेखौफ घर से निकलने की आजादी देने के लिए अपराधियों पर नियंत्रण के लिए जगह जगह सीसीटीवी लगेंगे या फिर नहीं। नौवा, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं। दसवा, अच्छी दवाई पढ़ाई के लिए कितना आवंटन है। ग्यारहवा, पानी घर पहुंचाने और शौचालय को सुचारू रूप से चलाने की योजना के लिए दिखावटी प्रावधान कितना है। बारहवा, और हाँ, गोरखपुर में बरसात में नाव चलाने व गोरखपुरवासियों को तैरने का मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए कितना प्रावधान किया गया है। तेरहवा, बिजली के नए प्लांटों के लिए कितना बजट है। चौदह, नई सड़कें तो छोड़िए, बस इतना और बता दें कि सड़कों के गड्ढे भरने का बजट में कोई प्रावधान है या फिर नहीं। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि झूठे दावों के दिखावटी प्रचार के लिए आपकी भाजपा सरकार ने कितना प्रावधान है, कृपया इसकी मोटी फाइल अलग से जनता के लिए सामने रखें। इस पूरी खबर को लेकर के आपको क्या कुछ लगता है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने 13 सवाल दागे हैं, क्या वो सही है, और जिस तरह का बजट पेश किया जा रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या अखिलेश यादव का ये वार सही है या फिर गलत। आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।